खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। चाचोड़ा बीनागंज नगर के लिए पानी सप्लाई फिल्टर प्लांट पर 33 केवी की लाइन है, जिससे कि प्लांट पर पानी फिल्टर होता है, पर रात्रि को अज्ञात लोगों ने ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे कि नगर में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। फिल्टर प्लांट चारंगपुरा पर 33 केवी लाइन को अज्ञात लोगों द्वारा ट्रांसफार्मर को किया क्षतिग्रस्त की जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने पुलिस थाने में दिया आवेदन। रात के 12 बजे मुझे पता चला कि यहाँ पर जो लाइन डाली हुई है ट्रांसफार्मर की, वो किसी असामाजिक तत्व द्वारा यहाँ पर बंद कर दी गई है, जिससे पानी की सप्लाई नगर में बंद हो चुकी है और मतलब वो भारी संख्या में यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया है। मुझे अभी मालूम पड़ा है, मैंने वहाँ पर जाके चेक किया है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर निकाला गया है, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन काटी गई है। ये किसी असामाजिक तत्व की करी हुई कार्यवाही है। जो भी इसका अगर निकलेगा, जो भी जिसने करा है, उस पर हमारा प्रशासन उस पर कार्यवाही करे और उसके जल्द से जल्द सजा सुनवाए। 17 घंटे से पता पड़ी है कि वाटर सप्लाई बंद पड़ी हुई है और अभी हमने तुरंत मतलब इमरजेंसी में दूसरी लाइन से जनता को पानी पिलाने का प्रयास किया है, क्योंकि 2 महीने से हम बराबर जनता के संपर्क में रह के उन्हें पानी की सप्लाई करा रहे हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है, किंतु किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ करने को सोचा है जिसके कारण पूरी जनता परेशान है और हम खुद अध्यक्ष इस कारण से परेशान है। और मेरी यह है, सभी से अपील है कि ऐसे व्यक्तियों को कानून की तहत से और मतलब जो भी मुजरिम हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। किसी अज्ञात चोर के द्वारा जानबूझ के इसको नुकसान पहुंचाने और ऑयल और कॉइल चोरी करने के उद्देश्य से इसके साथ में छेड़छाड़ की गई है। तो कब तक इसका मेंटेनेंस हो पाएगा? इसका मेंटेनेंस जो हमारे अंडर में नहीं आता, इसका मेंटेनेंस नगर पालिका को अपने लेवल पर ठेकेदार के द्वारा। तो कौन सी विद्युत लाइन है सर? ये 33 की लाइन एसटी कनेक्शन है, एसटी कनेक्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाचोड़ा से खबर समय जगत के लिए अमित चौरसिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.